हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे मूलर चालकता कोलराउस का नियम क्या है। अब कोलराउस का नियम का उपयोग जानेंगे, अनुप्रयोग, और क्यों आया कोलराउस का नियम उसे जानेंगे। तो उसका हेडिंग शुरुआत होगा यहाँ से, सांद्रता के साथ चालकता, तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता में परिवर्तन। तो होता क्या है कि चालकता, मैंने पहले ही बताया कि चालकता ताप, दाब, आयतन, ताप, दाब और सांद्रता इनसे बदल जाता है। तो ताप और दाब तो चलिए फिक्स कर लेंगे हम, क्योंकि सांद्रता को जानना ज़रूरी है कि सांद्रता बढ़ाने पर या घटाने पर क्या होता है चालकता। तो सांद्रता कोई बात है, तब घटे विलयन में डाले हैं तो उसकी सांद्रता घटने या बढ़ने पर चालकता भी बदल जाते हैं, चाहे वो तीनों में से कोई चालकता हो। तो इस बात को पहले लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हमने वैद्युत अवघट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन होता है। अब एक एक करके जानेंगे, पहले जानेंगे चालकता में परिवर्तन, फिर तुल्यांकी में, फिर मोलर में। तो पहला हेडिंग होगा हमारा चालकता में परिवर्तन। तो पहला देखेंगे हम लोग चालकता में परिवर्तन। यहाँ पे चालकता जो बात कर रहा है वो कप्पा के लिए बात कर रहा है, ध्यान रहे कप्पा की बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कप्पा जो है इकाई आयतन के लिए परिभाषित है, यानी 1 ml या 1 cm³ आयतन के लिए परिभाषित है, यानी कि 1 cm लंबा, 1 cm चौड़ा, 1 cm ऊंचा। एक घन के आकृति में स्थित विलयन में जितने वैद्युत अवघट्य के आयन है, चाहे प्लस या माइनस, जितने भी प्लस माइनस आयन है इसमें, प्लस माइनस इसके अंदर, उनके द्वारा उत्पन्न चालकता को, इकाई आयतन में उत्पन्न आयनों द्वारा चालकता को ही, आयनों द्वारा उत्पन्न चालकत्व को ही चालकता कहते हैं, कप्पा। लेकिन हम अगर मान लीजिए इस बाल्टी में इतना पानी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हमेशा बात होगी सांद्रता को घटाने की। पूरा हम सांद्रता में परिवर्तन की जब भी बात करेंगे तो अब सांद्रता की घटाने की ही बात करेंगे, बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। तो क्योंकि बढ़ाने का मतलब, सांद्रता बढ़ाने का मतलब हमें और अलग से वैद्युत अवघट्य डालना होगा, हाँ हम निकाल तो सकते नहीं, लेकिन उसको कम कर सकते हैं वैद्युत अवघट्य को। तो पानी और डालेंगे यानी सांद्रता घटाएंगे, यानी तनु करेंगे। सांद्रता घटाएंगे मतलब तनुता बढ़ाएंगे मतलब उसमें पानी डालेंगे और विलेय की मात्रा को कम करेंगे, वैद्युत अवघट्य की मात्रा को। तुझे को तनुता कहा जाता है, तनु विलयन का मतलब ही वही होता है। अब मान लीजिए हम तनुता बढ़ाएंगे और इसमें पानी डालते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आयन क्या होगा कि ये निकल के यहाँ से दूसरे घनाब में चले जाएंगे। मतलब ये आयन जो है, अब बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो ये आयन भी दो भाग में चले गए, इधर कुछ इधर उधर चले जाएंगे। यानी आयतन बढ़ने पर इकाई आयतन में जितने आयन रहने चाहिए थे अब उतने नहीं है, अब वो दूसरे वाले इकाई आयतन में चले गए। आ रहा समझ में? अब इस कारण से पहले से आयनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए चालकता भी कम हो जाता है। जब भी बात करेगा सांद्रता में तो आप घटाने की ही सोचिएगा, बढ़ाने की नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा NCERT ने घटाने पर ही, तनुता पर ही फोकस किया था। इसी बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए कि दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अवघट्यों की सांद्रता घटाने पर, दोनों दुर्बल हो या प्रबल, दुर्बल किसे कहते हैं तो वो वैद्युत अवघट्य जो पूरा 100% वियोजित हो जाए, टूट जाए, अरे प्रबल कहते हैं उसको। दुर्बल किसे कहते हैं, जो 5% वियोजित हो, यानी पूरा मत टूटे आयनों में, थोड़ा मोड़ा टूटे। तो ये दोनों चालकता का स्वभाव देखा गया है कि उसमें चाहे दुर्बल डालिए चाहे प्रबल डालिए, उन दोनों की सांद्रता घटाने पर चालकता क्या होती है, घटती है, कप्पा। क्यों? क्योंकि सांद्रता घटाने या तनुता बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी सांद्रता घटाने की बात कर रहा है। पर होता क्या है कि प्रति इकाई जो आयतन है, 1 से 1 ml या 1 cm के, उसमें विद्युत धारा ले जाने वाले जो आयन है घट जाते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। अब दूसरा देखेंगे तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन। अब हम लोग यहाँ पर तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन देख लेते हैं। तो पहले चूँकि हम लोग जानते हैं लेमडा EQ बराबर होता है कप्पा इंटू बी, होता है इतना, या आप लिख सकते हैं लेमडा EQ बराबर
कप्पा इंटू 1000 बटे एन। अब यहाँ पे दो चर हैं, अब इन दोनों में ही परिवर्तन के आधार पर इसका परिवर्तन होगा। अब हम तो जानते हैं कि तन्यता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर कप्पा घटता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन तन्यता बढ़ा रहे हैं यानी सांद्रता घटा रहे हैं, यानी इसमें और पानी डाल रहे हैं। तन्यता घटाना है तो हाथ से तो बिले निकाल नहीं सकते, या अवैध तब घटे को उसमें से निकाल नहीं सकते। तो उसे तनु करने के लिए क्या कर सकते हैं, आयतन और बढ़ा देंगे, पानी और डाल देंगे, आयतन बढ़ रहा है। तो अब समस्या ये आ गया कि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लैम्डा ई क्यू घटेगा कि बढ़ेगा। तो प्रयोग से देखा गया है कि कप्पा में जो होने वाली कमी है वो आयतन में होने वाली वृद्धि से कम ही होता है, यानी आयतन ज़्यादा प्रभावित करता है तुल्य अंकीय चालकता को। तो चूंकि आयतन बढ़ रहा है इसलिए लैम्डा ई क्यू क्या होगा, बढ़ेगा, कप्पा का कोई इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तीनों बातों को मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, सांद्रता घटाने या तन्यता बढ़ाने के साथ, मतलब आयतन बढ़ा रहे हैं हम तन्यता को कम करने के लिए, तो होता क्या है, तुल्यांकीय चालकता बढ़ता ही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलयन का जो कुल आयतन है वो भी बढ़ रहा है, यानी आयतन पे फोकस किया जा रहा है, आयतन मेन है। बता रहा है कि जिसमें एक ग्राम तुल्यांक वायु सबघट उपस्थित होता है, अब आयतन बढ़ रहा है तो एक ग्राम तुल्यांक, यानी यहाँ पे एक ग्राम तुल्यांक है तो ये कम होते जा रहा है एक आयतन में, तो कप्पा कम होगा। तो कप्पा घट रहा है, भी बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा मायने रखता है भी के बढ़ने से ही, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में भी बढ़ रहा होता है कप्पा के होने वाली कमी से भी ज़्यादा। अच्छा, उस बात को आगे देखेंगे। कह रहा है कि वैद्युत एक ग्राम तुल्यांक वैद्युत अवघट उपस्थित हो, यह पाया गया है कि विलयन के तनुकरण पर, तनुकरण मतलब तन्यता बढ़ाने पर, आयतन भी में जो होने वाली वृद्धि है कप्पा में होने वाली कमी की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है, कहीं अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से लैम्डा आई क्यू का मान बढ़ेगा। ठीक, अब हम लोग मोलर चालकता में परिवर्तन देख लेते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो पहले चूंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू बी, या लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, तो क्या देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है जो तुल्यांकीय चालकता में था कप्पा भी, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि उसमें नॉर्मलता था, यहाँ पे मोलरता आ गया। यानी विलयन में हम उसमें एक ग्राम समतुल्यांक की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक मोल की बात करेंगे, यदि विलयन में एक मोल वैद्युत अवघटक गुलाब। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तन्यता घटाने पर या सांद्रता, नहीं तन्यता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर लैम्डा एम बढ़ेगा, क्योंकि आयतन कई गुना अधिक बढ़ता है कप्पा से। तो लिख देता हूँ उस बात को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वही वाली बात कि सांद्रता घटाने या तन्यता बढ़ाने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विलयन का कुल आयतन भी बढ़ जाता है जिसमें एक मोल वैद्युत अवघट्य उपस्थित होता है। यह पाया गया है कि विलयन के तनुकरण पर आयतन में वृद्धि कप्पा में होने वाली कमी से ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब विभाजित है तीनों के तीनों। अब एक पॉइंट आता है, उसे कहा जाता है सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, वहीं से कुलराउस का नियम शुरू होता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है, तो मोलर चालकता है, लेकिन यहाँ पे सीमांत शब्द आ गया है या अनंत तन्यता आ गया है। यानी तन्यता को जब हम अनंत कर दें, मतलब कि तन्यता का मतलब क्या होता है, सांद्रता घटाना, यानी जो वैद्युत अवघट्य मिलाया गया विलयन में उसको कम करते जाना। तो हाथ से तो निकाल कर कम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, पानी मिलाते जाएंगे, उसको तनु बनाते जाएंगे, करते जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि एकदम से थोड़ा मात्रा में हो जाएगा वैद्युत अवघट्य, यानी उसकी सांद्रता मोलरता में यम ले लीजिए या सी ले लीजिए, सी भी चलता है,
वो क्या होने लगेगी, जीरो की ओर जाने लगेगी। तो जीरो की ओर जाने लगेगी तो अब देखिए, तो लेमडा एम बराबर होता है, क्योंकि लेमडा एम बराबर होता है क्या, कप्पा इंटू 1000 बटा में एम होता है। अब ये एम या सी जीरो की ओर अग्रसर हो गया है तो कप्पा इंटू 1000 बटे एम करेंगे, अरे जीरो करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। तो इस स्थिति में लैम्डा एम को लैम्डा एम इनफिनाइट से सूचित करते हैं, ये जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगा, मतलब ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ये जीरो की ओर अग्रसर कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अग्रसर है तो ये भी जीरो की ओर अग्रसर हो, नहीं जीरो नहीं इनफिनाइट की ओर, ये जीरो की अग्रसर है तो ये भी इनफिनाइट की ओर अग्रसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि कभी वैद्युत अपघट्य जीरो नहीं हो सकता उसकी सांद्रता, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा है, मतलब जीरो की ओर हो सकता है, 0.0.00 कम, बहुत कम मात्रा जीरो की ओर लगभग, इसलिए ये भी मान अनंत आया, तो इसी को कहा जाता है सीमांत मूलर चालकता। इस बात को मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे तब हम लिखेंगे इसके बारे में इस तरह कि जब विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्य की सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है, एंड सांद्रता घटने लगती है, तन्यता बढ़ाने पर सांद्रता शून्य की ओर होने लगती है, बहुत कम होने लगती है वैद्युत अपघट्य की मात्रा, तो मोलर चालकता क्या कहलाता है, सीमांत मोलर चालकता या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। अनंत तन्यता क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है मान, इसीलिए। अब इसे सूचित किससे करते हैं, तो लैम्डा एम इनफिनाइट से करते हैं, इनफिनाइट से, या लैम्डा एम नॉट भी देखने को आपको मिल जाएगा किताबों में, एनसीईआरटी में ई एम नॉट भी दिया है, लेकिन यही दोनों ज़्यादा फेमस है। ठीक, अब एक पॉइंट है कि जो लैम्डा एम में परिवर्तन होता है चालकता में, वो प्रबल के लिए अलग होता है, दुर्बल के लिए अलग होता है, तो इसलिए अब प्रबल के बारे में जानेंगे, फिर दुर्बल के बारे में जानेंगे, तब आ जाएगा हमारा मोलर कोलराउस का नियम। तो पहले ये पॉइंट देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा कि सांद्रता के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के में अलग अलग होता है। तो लैम्डा एम में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, यहाँ पर ही विशेष परिस्थिति है, तुल्यांक चालकता में कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आ गया कि लैम्डा एम में जो परिवर्तन होता है वो वैद्युत अपघट्य अगर प्रबल है तो अलग आएगा, दुर्बल है तो अलग आएगा, इसलिए हम दोनों के बारे में जानेंगे। तो पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी वैद्युत अपघट्य जब भी टूटेगा ए प्लस और एक्स माइनस आयनों में, तो पूरा 100% टूट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा अपने आयनों में टूट जाएगा, पानी में या कोई भी विलायक में, तो उसे समझ लीजिए वो वैद्युत अपघट्य प्रबल है, जो पूर्णतः आयनित हो जाता है। दुर्बल उसी का उल्टा होता है, जो अंशतः आयनित होता है। ठीक, जैसे में क्या क्या हो सकता है, NaCl हो सकता है, नमक भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है, फिर से लवण भी, क्षार भी हो सकता है, NaCl KCl HCl आ सकता है, HNO3 आ सकता है, कोई प्रबल भस्म आ सकता है, CaOH NaOH। ठीक, इस बात को मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में कि विलयन में पूर्णतः आयनित होने वाले वैद्युत अपघट्य को प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे मैं देखिए NaCl KCl CaCl2 MgSO4 ये सब लवण है, ये अम्ल है, ये भस्म है, ये सब प्रबल है। प्रबल लवण नहीं होता, जो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के संयोग से लवण बनता है उसी को, वो भी पूर्णतः आयनित होता है 100%। ठीक, ये प्रबल अम्ल है HCl HNO3 और ये प्रबल भस्म है, ये सब भी प्रबल वैद्युत अपघट्य में आ जाएंगे। वैद्युत अपघट्य कहेगा तो इसमें लवण भस्म अम्ल तीनों आ जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मोलर चालकता की, इससे संबंध यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम का मान तन्यता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, यानी जो भी वैद्युत अपघट्य प्रबल है इनमें से कोई भी,
अगर हम सांद्रता घटा रहे हैं मतलब तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता घट बढ़ाने का मतलब है कि हम वैद्युत अपघट्य की मात्रा को कम कर रहे हैं, तो वैद्युत अपघट्य की मात्रा को हम हाथ से तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो उसमें मिल चुका है, तो क्या करते हैं हम उसको तनु करने के लिए पानी और डालते हैं उसमें ताकि वो विलायक की अपेक्षा विलेय कम मात्रा में हो जाए, तनु हो जाए, यानी हम सांद्रता को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो क्या बता रहा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लिम्डायम का मान तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, जब भी तनुता बढ़ाने की कहेगा तो समझ लीजिए सांद्रता घटाने की बात कर रहा है। यहाँ पे हम ग्राफ से इसको समझेंगे, आप एक ग्राफ खींचिए, मैं देखिए यहाँ पे मैं एक ले लिया वाई एक्स, एक ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स अक्ष। अब बोला कि सांद्रता को रूट सी से दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रयोग में रूट सी लिया गया है, सी पर मान रेखा गड़बड़ाता है, रूट सी पर सही आता है। फिर यहाँ पे लेमडाइम के साथ देखेंगे खींचकर, कोई भी वैल्यू तो आप घट ले सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में केसीएल लिया गया है तो मैं केसीएल को दिखा रहा हूँ। तो केसीएल तनुता बढ़ाने पर, यानी यहाँ पे तनुता बढ़ाया जा रहा है यानी सांद्रता को घटा रहे हैं, यानी सी का मान घट रहा है, यानी अगर कहीं पे 20 है या 50 है तो घट के 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0 इस तरह जाएगा। तो उसके साथ साथ लेमडाइम का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी ये ऊपर भागेगा, ये पीछे आएगा, ये ऊपर भागेगा, यानी ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, यानी पहले कम था तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे हम सांद्रता घटा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, और एक समय में क्या होगा कि ये जब हम ये सांद्रता शून्य की ओर जाने लगेगा, शून्य की ओर, तो यही चालकता मोलर चालकता क्या बन जाएगा, एक पॉइंट पर सीमांत मोलर चालकता बन जाएगा, यानी लेमडा एम इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो सांद्रता घटाने के साथ साथ मोलर चालकता का मान बढ़ता है और शून्य की ओर जाने पर वो अनंत हो जाता है। ये मैंने केसीएल के लिए लिखकर दिखाया है। इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन है इधर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक, ध्यान रहे। अब इस रेखा का समीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो रेखा का समीकरण होता क्या है, यहाँ पे इस रेखा का समीकरण क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। तो जनरली रेखा का समीकरण होता क्या होगा, सरल रेखा का, सीधी रेखा का, जिसको व्यापक समीकरण कहा जाता है, वो होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ एम ढाल होता है और सी अंतःखंड होता है। तो इस बात को मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब होता है ढाल क्या होता है, रेखा का ढाल, ढाल का मतलब क्या होता है और अंतःखंड का मतलब क्या होता है, तो इस बात को समझेंगे। इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूँ। ढाल बताता है कि रेखा कितने ढलान में है, ये कितना ढाल है मतलब कितना झुकी हुई है, इसको हम पता करते हैं लंब और आधार के अनुपात से पता करते हैं कि कितना इसमें लंब बनेगा, मतलब ढलान है तो इसमें कुछ एक पॉइंट पे लंब बन सकता है और एक पॉइंट पे आधार बन सकता है इसका, यानी इस पर त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो लंब और आधार के अनुपात से इसको निकाला जाता है, कैसे, तो इसी को ढाल कहा जाता है, यानी ढाल लंब और आधार के अनुपात हो, इसका अनुपात होता है, इसको हम लोग टैन थीटा भी बोल देते हैं, यानी कोण के अनुसार भी हम बता सकते हैं। तो पहले हम इसके अनुसार बताते हैं, पहले ढाल जो है लंब के समानुपाती होता है और आधार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसे देख सकते हैं, यहाँ सूत्र भी है। अगर मान लीजिए आधार को हम रोकते हैं, लंब को बढ़ाते हैं, लंब इतना है तो ढलान कितना है, इतना, लंब को थोड़ा और बढ़ाते हैं, ऊपर करते हैं, अब ढलान देखिए कितना हो गया, अब ढलान ज़्यादा हो गया, यानी जैसे जैसे लंब बढ़ेगा, भुजा का लंब बढ़ेगा
वो ढलान भी उसका ज़्यादा होगा। वही बात करें आधार की, तो मान लीजिए आधार इतना है तो इसका ढलान कितना है, इतना है, और आधार बढ़ा दें तो ढलान कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आधार कम रहेगा तो ढलान ज़्यादा होगा, आधार अधिक होगा तो ढलान कम होता चला जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम है। या ऐसे भी आप अनुभव कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आधार बढ़ाने पर ढलान कम होते जाता है, तो आधार बढ़ाने पर ढलान कम होगा जबकि लंब बढ़ाने पर ढलान अधिक होगा। इसीलिए हम लोग ढाल लंब बटा आधार से निकालते हैं, कोण के आधार पर भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है तो ढलान कम है, थीटा वही 60 डिग्री हो जाए तो ढलान ज़्यादा हो जाएगा, यानी थीटा का मान बढ़ने पर ढलान बढ़ता है। अरे समझ में बात, तो वही वाली बात है, यानी कोण का मान बढ़ने पर ढलान बढ़ता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे वाई का काम कौन कर रहा है, लेमडा एम। एम का काम कौन करेगा, यहाँ पर नहीं दिया है, चलिए। एक्स का काम कौन करेगा, रूट सी, रूट सी करेगा। अंतःखंड का काम कौन करेगा, तो अंतःखंड किसे कहते हैं, जहाँ से ग्राफ का या जो जो भी रेखा है जहाँ से शुरुआत होती है या जहाँ पे अंत होती है उसको अंतःखंड कहा जाता है, ठीक। वैसे शुरुआत तो यहाँ से हुई थी लेकिन देखा जाए तो ध्यान से तो यहाँ से शुरू होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो जहाँ से शुरुआत होता है उसी को अंतःखंड कहते हैं, यानी लेमडा एम इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हैं ये, अब इसके बाद एम की बात कर लेते हैं कि रेखा का ढाल क्या होगा यहाँ पे, तो रेखा का ढाल होगा यहाँ पे माइनस ए। ए क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। यहाँ पे ए रेखा का ढाल, ये समीकरण दिया गया है प्रयोग से निकाल कर कि रूट सी के, अब माइनस में क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे तन्यता घटते चला जाएगा, घटाएंगे तभी बढ़ेगा, तो माइनस करेंगे इसको माइनस में लेंगे तो ये प्लस होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ाएंगे तो ये घटते चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस ए रेखा का ढाल है, सॉरी रेखा का ढाल, हाँ माइनस ए रेखा का ढाल है, और लेमडा एम क्या है, अंतःखंड, लेमडा एम इनफाइनाइट। एक बात और हम लोग ध्यान देंगे कि इस समीकरण को थोड़ा और सजा लें तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लेमडा एम बराबर लेमडा, ये प्लस है इसको आगे कर लेते हैं इनफाइनाइट, और ये माइनस आगे पीछे कर लेते हैं, ए सी पे पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि रूट रूट को हम 1/2 पावर में लिख सकते हैं, ठीक। अब 1/2 भी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम किसी भी रूट का मतलब होता है हम उस मान का आधार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। वर्गमूल निकालना है, उस वर्ग का मूल क्या हो, कहाँ से आया, तो वर्ग जोड़ा का ही होता है, जोड़ा का आधा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये ढाल है और ये अंतःखंड है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माइनस ए रेखा का ढाल है और लैम्डा एम इन्फिनिटिव या इन्फिनाइट क्या है, अंतःखंड है। इसे यहाँ पे ढाल एम लिया गया है रेखा का, तो ये इसमें जो रेखा होता है उसके लिए ढाल ए लिया जाता है। माइनस में क्यों लिया जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया इसे वैसे भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो सांद्रता बढ़ाने पर ये घटेगा लेकिन घटाने पर ये बढ़ेगा, तो सांद्रता घटाने पर ये बढ़ रहा है इसलिए माइनस में लिया जा रहा है ताकि प्लस में आता रहे मान, प्रयोग से देखा गया। अब इस समीकरण को डीबाई हकल ऑन्सगर समीकरण कहा जाता है, उसे लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस समीकरण को डीबाई हकल ऑन्सगर समीकरण कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसी वैज्ञानिक ने समीकरण को दिया था इसलिए। तो ये अभी तक हमने जितना देखा प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए देखा, उसका समीकरण लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान। अब हम लोग लैम्डा एम और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में देखेंगे, तो पहले देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, तब उसके लिए लैम्डा एम में परिवर्तन क्या होता है उसे।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट क्या है, तो विलयन में अंशतः आयनित होने वाले वैद्युत अपघट को दुर्बल वैद्युत अपघट कहेंगे। चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो, अगर वो दुर्बल मतलब कम मात्रा में आयनित होता है यानी उनका वियोजन बहुत कम हो रहा है। प्रबल क्या होते हैं, वो प्रबल 100% हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयनों में, लेकिन दुर्बल जो होते हैं वो 5% ही, लगभग 5% ही टूटते हैं आयनों में। जैसे में एसिटिक अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, GCl है, ये सब। अब लेमडा एम क्षमता बढ़ाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता, मोलर चालकता क्या होती है उसको देखिए। यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ तब आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं, ठीक। अब अतः ऐसे वैद्युत अपघट्यों के लेमडा एम तनुता के साथ परिवर्तन, लेमडा एम में तनुता के साथ परिवर्तन, समझिए। हमने पहले बताया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, जो विलयन में कम मात्रा में वियोजित हो आयनों में, यानी जब सांद्रता अधिक रहती है तो ये बहुत ही कम वियोजित होते हैं, अल्प। इसलिए ऐसे वैद्युत अपघट्यों के लेमडा एम में तनुता के साथ परिवर्तन, ऐसे ऐसे तनुता बढ़ा रहे हैं यानी सांद्रता को कम कर रहे हैं, उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं, तो कम सांद्रता पर क्या होगा, तो लेमडा एम में तनुता बढ़ाने के साथ जो परिवर्तन होता है बता रहा है कि वो बढ़ता है, वृद्धि होता है, लेकिन किस कारण से वृद्धि होता है, तो बता रहा है कि वियोजन की जो मात्रा है अल्फा उसके बढ़ने के कारण होता है। एंड सिंपल सा आप समझ लीजिए कि जब हम लोग क्या कहा जाता है, पानी जब डालना शुरू करते हैं विलयन में तो ये और अधिक आयनों में टूटना शुरू कर देते हैं, यानी उच्च सांद्रता पर ये अल्प वियोजित होते हैं और कम सांद्रता होने पर ये ज़्यादा आयनों में टूटने लगते हैं, यानी अल्फा की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण से इनकी चालकता बढ़ जाती है। यानी सिंपल सा है कि यहाँ पे जो लेमडा एम होगा बढ़ेगा, वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। और बता रहा है कि फलस्वरूप एक मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन, जो भी हमने वैद्युत अपघट्य लिया है उसका एक मोल विलयन में, उसका कुल आयतन आयनों की संख्या, कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। पानी डाल रहे हैं, आयतन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आयनों की संख्या भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका लेमडा एम का मान बढ़ेगा। फिर आगे कह रहा है कि जैसे जैसे हम अल्प सांद्रता की ओर पास पहुंचते हैं, यानी तनुकरण बढ़ाते जाते हैं, तो लेमडा एम तेज़ी से बढ़ता है। इसको मैं ग्राफ के जरिए आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए यह हुआ वाई अक्ष, और यहाँ पे खींच लेते हैं हम लोग यक्स अक्ष। हमें सांद्रता के रूप में रूट सी लेना है, या आप इसको सी पे पावर 1/2 ले सकते हैं। यहाँ पे लेमडा एम लेना है, और मान लीजिए इस पॉइंट पे सांद्रता यहाँ पर था, जैसे जैसे हम सांद्रता घटाते हैं यानी तनुता बढ़ाते हैं तो ये और ज़्यादा आयनों में टूटता है, यानी पहले थोड़ा थोड़ा आयनों में टूट रहा था, थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब कम होने लगा तो बहुत ज़्यादा आयनों में टूट गया, और ये चालकता उसका यूँ ऊपर भाग गई, यानी बहुत ज़्यादा इसकी चालकता होगी आयतन तनुता बढ़ाने पर। ये जो ग्राफ है NCERT में CH3COOH एसिटिक अम्ल का दिखाया गया है, यानी कि ये कहीं भी ग्राफ को क्रॉस नहीं कर रहा, अनंत में ऊपर की स्थिति में चला गया, यानी यहाँ पे इसका लेमडा एम इनफाइनाइट का मान निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं निकल पाएगा क्योंकि ग्राफ में हमें पता ही नहीं चला कहाँ गया, तो यहाँ पे कहीं क्रॉस कर नहीं रहा, तो हम इसके लेमडा एम इनफाइनाइट का मान नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या होगा। इसी के समस्या का समाधान के लिए आता है कोलराउस का नियम। इसमें थोड़ा एक पॉइंट है इसी के बारे में, इसको लिख देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख दिया, इसी से संबंधित है, लेमडा एम इनफाइनाइट का मान लेमडा एम के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसकी जब सांद्रता शून्य तक जाए
और यहाँ पे कहीं क्रॉस करके हम निकाल पाए ऐसा नहीं है। बहिर्वेशन मतलब इसको बाहर की ओर क्रॉस करते हुए नहीं हो पा रही है क्योंकि ऊपर भाग रहा है इसीलिए। तो अब इसका लेमडा एन इन्फाइनाइट कैसे निकाला जाए, इसके लिए कोलराउस का नियम जानेंगे। कोलराउस का नियम प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ही था, लेकिन उसके सहायता से हम दुर्बल का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कोलराउस का नियम। अब हम लोग देखेंगे कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम अस्तित्व में कैसे आया, उसके लिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है आपको। नियम कैसे आया कोलराउस का नियम, आप चाहें तो डायरेक्ट कोलराउस का नियम भी लिख सकते हैं। तो परीक्षा में आप क्या करेंगे कि केवल कोलराउस का नियम लिखेंगे, ये सब बातें नहीं लिखिएगा। ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कोलराउस का नियम अस्तित्व में आया। कोलराउस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम इन्फिनिट का मान देखा निकाला, और अलग अलग प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए कुछ उसमें नियमों को देखा, यानी नियमितताओं को देखा। और नियमितता क्या थे यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जो वैद्युत अपघट्य हैं जैसे एन एक्स हो गया या के एक्स हो गया, ये लवण के लिए यक्स क्या है, हैलोजन तत्व है वर्ग 17 का, आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो बता रहे हैं कि चाहे एन एक्स हो या के एक्स हो, इन दोनों के लैम्डा एम इन्फिनिट के मानों का अंतर किसी भी यक्स के लिए लगभग स्थिर रहता है। यानी हम इसका जो लैम्डा एम इन्फिनिट निकालें और के एक्स का निकालें, तो जो यक्स है उस यक्स के लिए लैम्डा एम इन्फिनिट का मान स्थिर था। कैसे पता चला, जब घटा के देखा गया तब दोनों का अंतर। यहाँ पे प्रयोग से दिखाया गया है स्थिर मतलब बराबर था। उदाहरण के लिए सामान्य ताप पर लिया गया है, जैसे के सी एल है यानी के साथ सी एल जुड़ा है और एन ए के साथ सी एल जुड़ा है, तो घटा के देखा गया दोनों का कि क्या आ रहा है मान। तो आया 23.4 आया। फिर लिया गया के बी आर और एन ए बी आर, अब सी एल हटा के बी आर लिया गया, अब घटा के देखा गया था पर भी 23.4 आ रहा था। अब बी आर हटा के आई लिया गया और एन ए आई लिया गया, इन दोनों का भी अंतर 23.4 आ रहा था। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं के का लैम्डा एम इन्फिनिट और सी एल का लैम्डा एम इन्फिनिट अलग अलग है, दोनों आपस में जुड़े हैं इसलिए फाइनल दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ही कोलराउस का नियम आपको मिलना शुरू हो गया, जिसको मैं फाइनल लिखूँगा लास्ट में। एक और देख लीजिए, यहाँ पे उन्होंने एन ए बी आर लिया फिर एन ए सी एल लिया, यानी एन ए एन ए बराबर रखा, बी आर और सी एल बदल दिया, तो इन दोनों का अंतर देखा तो 1.8 आया। फिर यहाँ पे एन ए के जगह पे के लिया पोटेशियम, पोटेशियम के लिए रख के देखा तब पर भी 1.8 ही आया। इससे साफ स्पष्ट हो गया, चाहे एन ए सी एल ले लो, बी आर ले लो, बी आर एन ए सॉरी सी एल या आई, उन सब के लिए लैम्डा एम इन्फिनिट का मान घटाने पर स्थिर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों आयनों का जो लैम्डा एम इन्फिनिट है आपस में ज्वाइंट होकर फाइनल यौगिक का दे रहा है यहाँ पे। यानी इस आधार पे आपको एक प्रेक्षण मिला, वो प्रेक्षण क्या है इसी को मैं लिखने जा रहा हूँ। इन प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने प्रेक्षण तो ये हो गया, नियम लिखने जा रहे हैं हम लोग। इन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम दिया। इसे स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम भी कहा जाता है। स्वतंत्र अभिगमन मतलब कि जो भी वैद्युत अपघट्य के आयन होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य के, वो विलयन में स्वतंत्र गमन करते हैं और अपना अलग लैम्डा एम का मान रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा जाता है। यानी कुल मिला के यानी नियम क्या है कि हम किसी भी वैद्युत अपघट्य के लैम्डा एम इन्फिनिट को उसके अलग अलग आयनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, मतलब एन ए प्लस का और बी आर माइनस का प्लस करके लैम्डा एम इन्फिनिट लिख सकते हैं। यानी कुछ इस तरह कि हमें एन ए सी एल का लैम्डा एम इन्फिनिट ये कैसे निकाल सकते हैं,
तो जो Na प्लस है और Cl माइनस है इनके लेमडा m इनफिनाइट का मान निकाल कर हम बता सकते हैं। इसके लिए इस तरह चिन्ह बनाते हैं, लेमडा वो वाला लेमडा यहाँ पे इनफिनाइट रहेगा, यहाँ पे भी इनफिनाइट। तो यहाँ पे देखिए, यानी हम आयनों को अलग अलग योग करके पूरे वैद्युत अपघट्य का लेमडा एम इनफिनाइट निकाल सकते हैं। ये नियम है, क्योंकि यहाँ से प्रयोग से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे एक्स का कोई भी मान हो उनका अंतर स्थिर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं दोनों आपस में योग से जुड़े थे। इसीलिए घटाने पर इसका सोडियम को घटाने पर सीएल का वही आ रहा था, पोटेशियम को भी घटाने पर सीएल का वही आ रहा था। यानी सीएल का अपना लेमडा एम इनफिनाइट है और एनए का अपना है, तो अपना अपना है यानी दोनों योग में जुड़े थे। तो इसी बात को कोलराउस का नियम कहा जाता है। कोलराउस का नियम में यहाँ पर हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार एक वैद्युत अपघट्य की सीमांत मूल्य सलगता को उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। ये हो गया नियम, कोलराउस का नियम हो गया। कुछ अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मूल्य चालकता उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत तन्यता पर मूल्य चालकता के योग के रूप में लिखा जा सकता है या योग के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी जो भी लिखता है वो बड़ा ही सोच समझ के लिखता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम है कि हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे पॉइंट जहाँ पे नहीं भी हो सकते, इसलिए यहाँ पे संभावना लिखा है कि किया जा सकता है। तो एनसीईआरटी चूँकि प्रोफेसर लिखे होते हैं तो उनकी बातों में कुछ रहस्य रहता है, इस कारण से ये लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने वही बात यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जैसे मैं देख लेते हैं, एनएचसीएल का अलग अलग धन आयन ऋणायन के योग के रूप में इनका अलग अलग योगदान रहता है। योगदान मतलब ये अपना अलग अनंत सीमांत चालकता देते हैं, ये अपना सीमांत चालकता देता है, दोनों का योग होता है फाइनल मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघट्य का। क्लियर? आप परीक्षा में केवल यही लिखेंगे कोलराउस का नियम क्या है, तो कोलराउस का नियम एग्जाम्पल, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब एक और पॉइंट है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम लोग ले लें Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसका हम सीमांत मूल्य चालकता कैसे लिखेंगे? तो पहले जान तो ले ये कितना है Al, तो Al टूटेगा तो ये 3 प्लस आयन आयन देता है, SO4 के ऊपर 2 माइनस आयन होता है। कितनी बार एल्युमिनियम है? 2 बार। SO4 कितनी बार है? 3 बार है। अब इनका हमें मोलर चालकता लिखना और सीमांत मोलर चालकता, तो हम इस प्रकार लिखेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस का लिखेंगे हम लोग, बीच में हम बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे लेंगे लेमडा क्या Al3+, और यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट। अब चूंकि कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 इसके आगे हम लोग लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे SO4 लेमडा SO4 2 माइनस इनफिनाइट यहाँ पे लगा देंगे। कितनी बार आया है ये? 3 बार। इस प्रकार लिख देंगे हम लोग। तो ये याद रखिएगा, यानी कितने मोल वो आयनों में टूट रहा है, 2 मोल आयनों में टूट रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 मोल आयनों में टूट रहा है 3 से गुणा कर देंगे, हो गया। अब ये था मोलर चालकता निकालना, सीमांत मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता भी होता है, तो हमें सीमांत तुल्यांकी चालकता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसको आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेमडा ए क्यू इनफिनाइट निकालने का तरीका, कैसे निकालेंगे? तो चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि लेमडा एम बाई लेमडा ए क्यू का अगर आपको अनुपात याद होगा पिछले वीडियो में, इसका अनुपात एक्स आता है। एक्स क्या है? संयोजकता कारक है, यानी ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए।
कैसे निकाला जाता है इसको मैंने बताया भी है। या हमें लेमडा IQ निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा IQ बराबर लेमडा एम बटा में एक्स, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। इसी प्रकार हमें निकालना हो इनफाइनाइट पर तो क्या करेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट बटे लेमडा IQ, इनफाइनाइट का मान भी एक्स ही आएगा, इसलिए हमारा फाइनल जो चाहिए हमें लेमडा IQ इनफाइनाइट वो क्या हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट बाई एक्स। ये हमारा मेन व्यंजक हो गया, यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। यानी हम जो भी अगर हमें लेमडा IQ इनफाइनाइट निकालना होगा तो हम पहले उसका लेमडा एम इनफाइनाइट निकाल लेंगे और उसमें एक्स से भाग दे देंगे। कैसे, तो जैसे यहाँ पे समझते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमें Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, इसका हमें निकालना हो लेमडा IQ निकालना हो हमें, ठीक इनफाइनाइट, तो हम क्या करेंगे, इसका लेमडा एम इनफाइनाइट निकालेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस बाई डिवाइड कर देंगे एक्स से। अब एक्स कैसे निकाला जाता है तो ध्यान दीजिए, अम्ल के लिए H+ आयनों की संख्या, भस्म के लिए OH- आयनों की संख्या, लवण के लिए उसके धातु पर आवेश की संख्या। यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर कितना आवेश आएगा, 3+ आवेश आएगा, लेकिन ये है कितनी बार, 2 बार है, तो 3 × 6 आवेश आ जाएंगे टोटल, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, ठीक। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेमडा IQ बराबर IQ इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर आप लिख सकते हैं लेमडा IM इनफाइनाइट Al++ डिवाइडेड बाई कितना है, 3, तो भाग कर देंगे 3 से, फिर लेमडा इनफाइनाइट यहाँ पे हो जाएगा आपका SO4 2- और डिवाइड हो जाएगा कितना से, ये संख्या इसका 2, इस पे 3 आवेश है, इस पे 2 आवेश है, तो यहाँ पे हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक बस हो गया। इस तरह भी निकाल सकते हैं, वैसे भी गुणा कीजिएगा तो 3 × 6 ही आएगा, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये सब निकालना सीख गए, ये सब सारा जानकारी हो गया। यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अब जैसे आप में मोलर चालकता में क्या देखा कि ये जो जितना संख्या में था हम उसका आगे गुणा कर दे रहे थे, लेकिन ऐसा लेना देना नहीं है, इसमें नहीं करेंगे। मतलब ये एल्युमिनियम 2 बार आया है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 से आगे गुणा कर देंगे, ये 3 बार आया तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, बस 3 से भाग कर देना जो आवेश है, जो इस पर आवेश है। तो अब निकालना सीख गया लेमडा IQ इनफाइनाइट। अब आता है क्लोराउस नियम का अनुप्रयोग, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है, क्लोराउस नियम का अनुप्रयोग एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो समझते हैं, हेडिंग लगाते हैं क्लोराउस नियम का अनुप्रयोग। तो हम यहाँ पे क्लोराउस नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। पहला, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लेमडा IM इनफाइनाइट या लेमडा IQ इनफाइनाइट की गणना कैसे करते हैं। क्लोराउस का नियम केवल प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए था क्योंकि वो पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते, इसलिए इनका लेमडा IM इनफाइनाइट निकाल पाना मुश्किल होता है। लेकिन हम क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग करके इसे निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम जानते हैं कि जो CH3COOH है वो 2 आयनों में टूटता है इस प्रकार, COO- और H+ तो हम ऐसे वैद्युत अपघट्य ढूंढेंगे जिसमें CH3COO हो और फिर दूसरे वाले में H+ हो, उन सभी को घटा जोड़ घटा कर हम फाइनल इस रूप में ला देंगे और उस प्रकार हमको इसका भी मिल जाएगा। कैसे, थोड़ा आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि हम लिख सकते हैं
CH3COONa एक यौगिक है, वह सब घट्य। ध्यान से देखिए, सोडियम एसीटेट कहा जाता है इसको। क्या इसमें आपको CH3COOS मिलेगा, COO? हाँ मिल जाएगा। फिर अगर आप HCl को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको H+ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो फालतू क्या बच रहा है, Na और Cl, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, NaCl का ले लेंगे और इसको निकाल देंगे। यानी हम लेमडा, तो ये प्रबल है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये भी प्रबल है। लेमडा एम इन्फाइनाइट किसका निकाल रहे हैं, CH3COONa का। निकालिए क्या होगा, लेमडा एम इन्फाइनाइट CH3COO- लिख दीजिए, चाहे प्लस कोई दिक्कत नहीं है, मतलब माइनस वाला आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ले सकते हैं Na+, समीकरण एक। HCl का हम निकालेंगे, लेमडा एम इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा, लेमडा H+, और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा Cl- इन्फाइनाइट, समीकरण दो। और समीकरण तीन में हम NaCl का निकाल देते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको। NaCl इसका लेमडा एम इन्फाइनाइट निकालते हैं, तो इसको लिख देंगे हम लेमडा Na+, और इसको लिख देंगे लेमडा Cl- इन्फाइनाइट। ठीक, अब ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में CH3 है, यहाँ पे H+ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर। लेकिन ये NaCl फालतू ऐड हो जा रहा है, तो इसको घटाने के लिए हम क्या कर देंगे, समीकरण तीन को माइनस कर देंगे। समीकरण तीन को माइनस करेंगे तो NaCl कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो हम समीकरण 1+2-3 से CH3COOS का लेमडा एम इन्फाइनाइट प्राप्त कर लेंगे। ठीक, उसी को लिखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1+2-3 से, करिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस ये भी जुड़ जाएगा, साथ साथ ये भी जुड़ेंगे, इनको घटा देंगे Na+HCl- NaCl का लेकर, ताकि हमें केवल इतना चाहिए क्योंकि हमें इसका निकालना है एसिटिक अम्ल का। यानी कि लेमडा एम इन्फाइनाइट CH3COOH- कैसे अब निकलेगा, तो इस तरीके से नहीं निकलेगा, बल्कि किस तरीके से निकलेगा, तो लेमडा एम इन्फाइनाइट CH3COONa+ लेमडा एम इन्फाइनाइट HCl, अब माइनस क्या कर देंगे, लेमडा एम इन्फाइनाइट क्या HCl हो गया NaCl। इस प्रकार हमें जो है CH3COOH का लेमडा एम इन्फाइनाइट का मान निकाल लेंगे इस तरीके से। यही तरीका है निकालने का दुर्बल वैद्युत अपघट्य का। आ रहा समझ में, तो यहाँ पे पहला अनुप्रयोग हो गया। अब दूसरा अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं, दूसरा है वियोजन की मात्रा की गणना। अल्फा कैसे निकालते हैं, मतलब वो आयन जो वैद्युत अपघट्य है टूटा है आयनों में, तो कितना टूटा है उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी सांद्रता सी पर यदि वियोजन की मात्रा, वियोजन का मात्रा अल्फा हो, तो इसे सांद्रता सी पर मूलर से लगता लेमडा एम और सीमांत मूलर से लगता लेमडा एम इन्फाइनाइट के अनुपात से निकाल सकते हैं। यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एम बटा में लेमडा एम इन्फाइनाइट। अब इसका यूज होगा न्यूमेरिकल बनाने में, वियोजन की मात्रा इसमें दिया रहेगा, लेमडा एम ये दिया रहेगा, हम इसको निकाल के हल करेंगे। फिर अब तीसरा जो होता है इसका अनुप्रयोग उसे देख लेते हैं। तीसरा होता है आयनन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। तो अब वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ए बी है, ए टूटता है A+ और B- आयनों में,
साम्य स्थिरांक ले लेते हैं, साम्य अवस्था पर लेते हैं। अब प्रारंभिक सांद्रता क्या होगा इसका, उसको देखिए। तो शुरू में इसकी सांद्रता सी पर बोल रहा है, सी मान लेते हैं, आप यम भी मान सकते हैं, मोलर, ज़्यादातर मोलरता ही सांद्रता माना जाता है। और यहाँ पर अभी ये टूटे नहीं होंगे शुरुआती समय में, तो इनका जीरो जीरो कोई सांद्रता नहीं अभी इनका। अब लेकिन साम्य अवस्था पर साम्य सांद्रता लेते हैं, साम्य सांद्रता मतलब वियोजन टूटेगा, साम्य इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक फिक्स स्थिति पर यह टूटना बंद हो जाता है, टूटना बंद हो जाएगा तभी तो हम वियोजन की मात्रा आसानी से निकाल पाएंगे, टूटता रहेगा तो वियोजन का मात्रा गड़बड़ हो जाएगा, वो स्थिरांक नहीं रह जाएगा। तो साम्य अवस्था पर ही हम वियोजन स्थिरांक का गणना कर सकते हैं, इसलिए साम्य लिया जाता है। तो मान लीजिए कि सी में से सी का अल्फा मात्रा निकल गया, सी में से सी का अल्फा निकला तो माइनस करके घटाएंगे और कितना बना यहाँ पे, सी अल्फा बन गया, इसका भी सी अल्फा बन गया, मतलब कि सी में से अल्फा वियोजित हुआ तो कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, सी का अल्फा, अल्फा चूंकि ये एक स्थिरांक है तो ये परसेंटेज में आता है, ठीक ना, इसलिए हम सी का अल्फा कर देंगे, सी का अल्फा परसेंटेज जब भी निकाल घटाया जाता है तो उसका सुनोगे इतना परसेंटेज का इतना से गुणा करके निकाला जाता है, जैसे बोल दूं कि किसी 600 का 600 का 60% कितना होगा, तब क्या करोगे, 600 का 60% निकालोगे, गुणे 60 बटे 100 करोगे और 36 यानी 360 होगा, तो बचा कितना, आप क्या करोगे 600 में से घटाओगे ना, तो घटाने पर जो आंसर आएगा वही होगा, वही काम यहाँ पे हुआ है। तो जो 600 है उसमें से हमने घटाया है 360 को, तो जितना है उतना ही यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि सी का ये इतना बन रहे हैं, सी का सी अल्फा दोनों बन रहे हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जो साम्य स्थिरांक या वियोजन नहीं, वियोजन स्थिरांक होता है उसको के ए से डिनोट किया जाता है, के ए से, कैपिटल नहीं स्मॉल के रहेगा। और आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में साम्य अवस्था पे कैसे निकाला जाता है, तो ए प्लस की सांद्रता यानी उत्पाद की सांद्रता ये माइनस में रहेगा, अब बटा में यौगिक की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता। अब इसमें अल्फा ए प्लस का सांद्रता कितना है, सी अल्फा गुणे बी का कितना है, सी अल्फा बटे ए बी का कितना है, सी माइनस सी अल्फा है, अभी साम्य अवस्था में इसका इतना है उसको नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे सी सी का गुणा होगा, अल्फा अल्फा का गुणा होगा, इसमें से सी कॉमन हो जाएगा, यानी फाइनल क्या बचा, सी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटा में सी कोष्ट में 1 माइनस अल्फा बचेगा, एक सी से एक सी गया, बचेगा सी अल्फा स्क्वायर बटा में 1 माइनस अल्फा। फिर आगे देखते, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटा में 1 माइनस अल्फा, ये हो गया एक समीकरण मिल गया। अब बात आती है एक और पॉइंट कि चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा बराबर लेमडा एम बटा में लेमडा एम इनफाइनाइट, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, लेमडा एम बटा में लैम्डा एम इनफाइनाइट का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा के जगह पे क्या लिख देंगे, लैम्डा एम लैम्डा ये बाय लैम्डा
एम इनफाइनाइट। इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होगा सी लेमडा एम का स्क्वायर, इसको नीचे कर देता हूँ, लेमडा एम इनफाइनाइट को इसका एक में गुणा होगा तो लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस लेमडा एम बटे हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनाइट। यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, एक नीचे से एक हट जाएगा, एक एक बचेगा, यानी c बराबर के बराबर हो जाएगा c लेमडा एम स्क्वायर बटे एक लेमडा एम इनफाइनाइट बचेगा, अकोस्ट में लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस लेमडा एम बच जाएगा के बराबर। तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला मिल गया, इसका भी यूज हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में। ये हुआ, अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आंकिक उदाहरण इससे संबंधित। ठीक, अब हम लोग आंकिक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि NaCl HCl है और NaAC है, मतलब सोडियम एसीटेट, वही CH3COONa के लिए E नॉट M क्रमशः 126 425.9 91.0 दे रखा है। हमें कह रहा है कि HAC के लिए लैम्डा नॉट का परिकलन कीजिए। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि लैम्डा को इस तरह भी दे सकता है, लैम्डा एम इनफिनाइट या ऊपर नॉट दे सकता है, जिसे यहाँ पे नॉट दिया है, यहाँ पे ई भी दे सकता है, तो यहाँ पे ई के ऊपर नॉट दे दिया है ईएम, तो इसको आप समझिए कि लैम्डा एम इनफिनाइट है। ठीक, तो लैम्डा एम इनफिनाइट का मान इनके लिए दे रखा है। हमें किसका निकालना है, एच ए सी, एच ए सी क्या है, वही एसीटिक अम्ल है CH3COOH, यहाँ पे CH3COO को ए सी लिख दिया है और एच को अलग से लिख दिया है, जो इसके बारे में अभी बताया ही आपको। हमको क्या निकालना है, लेमडा एम नॉट, यहाँ पे नॉट कर रहा है तो हम नॉट कर लेते हैं, क्या निकालना है, एच ए सी निकालना है। तो ये दुर्बल है इसलिए हम इसके जरिए निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एक एच चाहिए और एक ए सी चाहिए इसमें, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इन दोनों से मिल जाएगा, एक एच मिल जाएगा, एक ए सी मिल जाएगा। एन ए सी एल फालतू हो रहा है, एन ए और सी एल, तो इसको घटा देंगे तो हमारा एन ए सी एल निकल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम लिखेंगे लेमडा एम नॉट, नॉट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट कह रहा है, किसको ले लेते हैं, एन ए ए सी को ले लेते हैं, प्लस इसको ले लीजिए लेमडा एम नॉट एच सी एल ले लीजिए, अब माइनस किसको कर देंगे, लेमडा एम नॉट एन एच सी एल। अब हल कीजिए, मान रखिए इसका, इसका मान कितना दिया है, तो एन ए ए सी का मान दिया है 91.0 प्लस एच सी एल का मान दिया है 425.9 माइनस एन ए सी एल का मान दिया है 126.4। मात्रक होगा भाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, इसको जोड़िए इसको घटाइए, आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत अपघटन का उत्पाद क्या होता है और वैद्युत अपघटनी सेल क्या होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।